भंगी क्या हैं, कैसे हैं, ये नाम कैसे पड़ा, इसका बुद्ध समय से या जो सुनीत भंगी का जिक्र आता है बुद्ध साहित्य में उससे क्या लेना देना है। भंग जो शब्द है जिसमें अंग लग लग जाता है बाद में, बुद्ध में पाली के अंदर जो भाषा है पाली के अंदर लगभग सभी संज्ञाओं में यानी जितने भी नाउन्स हैं उन सब में या प्रोनाउन है उनमें बाद में एक शब्द होता है, बाद में अगर ऊपर बिंदी लगा दें तो उसको अंग बोलते हैं। तो भगवन ये शब्द है, भग में बाद में ऊपर बिंदी लगाने से ये भग्न बन गया यानी भंग बन गया। ये शब्द प्राचीन शब्द है और प्राकृतिक शब्द है, यानी कि ये शब्द बनाया नहीं है किसी ने, ये शब्द समय के हिसाब से सिस्टम के हिसाब से बना है। पाली में भग्न का मतलब या भग का मतलब होता है विखंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ना या डिजॉल्व करना, घोलना, यानी जो चीज़ स्क्रैटर्ड हो जाए, बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े में बदल जाए उसको वो भग्न या भग्न बोलते हैं। भग से भग्न बना है, दोनों का मतलब एक ही है। ये बुद्ध से पहले का समय है क्योंकि बुद्ध ने इसका इस्तेमाल कई बार किया है मगर सुनीत भंगी के संदर्भ में नहीं है। सुनीत भंगी के शब्द में इसलिए नहीं है क्योंकि सुनीत भंगी का जो अर्थ है वो अलग है। पाली के अंदर जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और ज्ञान प्राप्त करते करते वो अपने शरीर को देखने लगे और अपने शरीर को छोटे छोटे में टुकड़ों में तोड़ने लगे, तो ज्ञान प्राप्त की उच्चतम अवस्था में उन्होंने ये जाना कि शरीर तो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है और ये सब विखंडित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, भग्न हो जाते हैं। विपस्सना साधना करते समय एक अवस्था ऐसी आती है कि जब पूरा शरीर बिल्कुल बिखर जाता है, टूट जाता है, उसको उन्होंने उस ज्ञान की अवस्था को उन्होंने भंग अवस्था कहा, भंग अवस्था कहा, और जो उस अवस्था तक पहुंचा उसको उन्होंने भंगी कहा। यानी बुद्ध पहले व्यक्ति थे जो भंग अवस्था तक पहुंचे और भंगी बने। बुद्ध के पहले समय में या बुद्ध के समय में कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है जैसा जाति आज की डेट में होती है, ऊंची जाति या नीची जाति या हर व्यक्ति की जाति है। जाति का मतलब जात या जाति दोनों का मतलब एक है पाली में, इसका मतलब होता है जन्म, यानी जो जीव जन्म लेता है चाहे वो जानवर है, चाहे वो मनुष्य है, चाहे महिला है, चाहे बच्चा है, कहते हैं जाति जरा मरण दुखा, यानी उन्होंने कहा है जन्म लेना है, मरना है और बूढ़ा होना, ये सब दुख हैं। तो जाति जन मरण दुखा जब ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब जाति जन्म को बोलते हैं। कास्ट सिस्टम बुद्ध के समय तक नहीं था, जो आज की डेट में भारत में जाति सिस्टम है, और बुद्ध के समय में वर्ण सिस्टम बन रहा था। वर्ण सिस्टम क्या है? वर्ण सिस्टम था भारत में जितने लोग थे, वर्ण माने पाली में होता है रंग, यानी वो एक रंग के थे, तो वर्ण की कहीं डिफरेंस की यानी दो वर्णों की बात नहीं होती थी। मगर जब कुछ पहाड़ों से लोग उतर के आए नीचे और वो भारत के लोगों ने उनको देखा तब उन्होंने कहा कि ये बेरंग लोग हैं, बिना रंग के हैं, बिना रंग के लोगों को पाली में अवर्ण बोलते हैं, अवर्ण। तब दो तरह के रंग बने, एक रंग वाले लोग यानी हम जो पक्के लोग थे, काले लोग थे, जो सांवले थे, गेहूं के लोग थे, और एक जो बिल्कुल वाइट लोग थे, अवर्ण थे, जिनका कोई रंग नहीं था। दो रंगों की बात आती है, बाद में दो रंगों से तीन रंग बने और तीन से फिर चार रंग बनाने की कोशिश की क्योंकि एक संकर वर्ण भी बना। संकर वर्ण होता था कि जो वाइट लोग ऊपर से आए और नीचे के जो डार्क लोग थे उनके संसर्ग से यानी उनके साथ मिलके जो बच्चे पैदा हुए उसको संकर वर्ण बोलते हैं, संकर रंग बोलते हैं, या उसको हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिड आपने सब्जियों में भी देखा होगा, जानवरों में भी देखा होगा कि ये हाइब्रिड नस्ल इसको बोलते हैं, मिश्रित नस्ल यानी मिस्र वाले जो लोग हैं, मिश्रित होकर लोग हैं। तो इस तरह से तीन वर्ण बने, एक वो वर्ण जिनका रंग नहीं था, एक वो जो पक्के रंग के थे, गेहूं रंग के थे, या जो जिसको बोलते हैं सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब है अच्छे रंग वाले, जो गेहूं जैसे रंग के हों उसको सुनहरा रंग भी बाद में बोलते थे, ये सुवर्ण लोग हो गए। और एक हो गया संकर वर्ण यानी कि दोनों रंगों से मिलकर बने हुए। तो भग्न शब्द और भंग शब्द जो आता है ये पाली में आता है। अगर आप पीछे से इसकी व्याख्या नहीं देखेंगे या पीछे से इसको नहीं देखेंगे, बीच से इसको उठाएंगे तो थोड़े से
इसके भ्रम में आ जाएंगे और जीवन भर बहस करते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो बाहर के आए हुए लोग थे, जब वो हमारी गाय को और हमारी भैंसों को या हमारे घोड़ों को वो काटते थे यहाँ, और काट के वो खाते थे जंगल में, चोरी करके ले जाते थे, उस समय जो आग जला के उनको भूनते थे उसको वो यज्ञ बोलते थे, यानी यज्ञ बोलते थे, और हमारे लोग अपने जानवरों को बचाने जाते थे तो उसको यज्ञ को भंग कर देते थे, यानी उनकी आग में पानी डाल दिया। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है, ये ठीक है कि जानवर बचाने के लिए वहाँ लोग जाते होंगे और उनको वहाँ झगड़े लड़ाई भी होता होगा, वो अपने जानवर लेके आते होंगे, मगर उन लोगों को भंगी नहीं बोलते, क्योंकि यज्ञ को भंगी करने वाले को भंगी नहीं बोला गया है। क्योंकि अगर वो यज्ञ को भंगी करते तो उनका पूरा नाम होता यज्ञ भगन कर्मी, यानी कि यज्ञ भग्न करने वाला। मगर आपने पूरे हिस्ट्री में या पूरे साहित्य में कहीं भी एक शब्द नहीं सुना होगा यज्ञ भग्न करने वाला या यज्ञ भग्न करने वाले या यज्ञ भग्न कर्मी, ऐसा नहीं सुना होगा। इसका मतलब यह है कि खाली भंगी शब्द, क्योंकि भंगी जो शब्द है इसका सफाई से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सफाई वाले को बोलते हैं सफाई कर्मी या सफाई कर्मचारी। मगर बुद्ध के समय तक तो सफाई का काम ही नहीं था, उससे पहले भी सफाई का काम नहीं था, क्योंकि जो राजमहल या ईंट या ये पसादे हुआ करते थे बहुत नाम के, और सभी लोग अपनी अपनी सफाई खुद करते थे, और सड़क भी कच्ची थी, सड़कों की सफाई नहीं होती थी, बारिश आई तो साफ हो गई, हवा आई तो साफ हो गई, तो सड़क सफाई का कहीं जिक्र ही नहीं है, सफाई का कहीं काम नहीं है। बुद्ध के विनय पिटक के साहित्य में जितने भी भिक्कू रहते थे साथ में या जो स्टूडेंट रहते थे वो अपना काम स्वयं करते थे, और उनके लैट्रिन साफ करने के खुद के नियम बने हुए थे, उनको खुद को लिख के बुद्ध ने बताया हुआ है कि कैसे लैट्रिन साफ करनी है और किसको क्या क्या काम करना है। तो बुद्ध के एजुकेशन के सिस्टम में भी एक सिंगल भी जिक्र ऐसा नहीं है जिसमें सफाई का कोई काम हो, क्योंकि ऐसा नहीं है। भंगी सफाई कर्मी कहीं नहीं आता शब्द, भंगी सफाई करता है ऐसा भी नहीं आता, या भंगी सफाई करते थे ऐसा भी नहीं आता। बेसिकली भंगी जो है वो बहुत उच्चतम हायर एजुकेशन लेवल है, जो शरीर को भंग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। पहले ज्ञान प्राप्त का यही तरीका होता था, पहले अक्षर और किताब कॉपियां नहीं होती थी, इसलिए ज्ञान मौखिक होता था और अपने ऊपर प्रैक्टिस की जाती थी, जो जितना ज़्यादा अवस्था प्राप्त कर ले वो उतना बड़ा ज्ञानी होता था। तो भंगी सफाई कर्मचारी शब्द भी गलत है, यानी कोई भंगी जो ये कहता है कि मैं सफाई का काम हूँ या सफाई कर्मी ही भंगी है, दोनों शब्द एक हैं, बिल्कुल सरासर झूठ और गलत है, क्योंकि कहीं एक सिंगल कहीं एक जिक्र नहीं मिलता कि पुराने लोग कहीं करते थे। बुद्ध के साहित्य में ना तो हिंदू शब्द आता है, ना ही मुसलमान शब्द आता है, ना ही ईसाई शब्द आता है, थोड़ा बहुत कहीं आता है तो निकटनाथ आता है। निकटनाथ बोलते थे उस समय, जो एक तरह से बिना कपड़ों के रहते थे, जिनको हम आज की डेट में जैन बोलते हैं, क्योंकि बुद्ध से जो महावीर जैन थे वो 19 साल लगभग बड़े होते थे और उनका सिस्टम पहले चलता था, बुद्ध का सिस्टम बाद में डेवलप हुआ है, जो बुद्ध ने एजुकेशन ली है, उनकी एजुकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है और प्रैक्टिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ना हिंदू का शब्द है, ना मुसलमान का शब्द है पूरे साहित्य में, और ना ही ईसाई का शब्द है, बाद के हैं इसलिए वो जिक्र उसमें नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि भांग पीने वाले जो लोग हैं वो भंगी हैं, ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो पुराने समय में शब्द है वो भांग नहीं है, वो है सुरा, यानी एक सुरा पीने वाले, सुरा एक नशीला पदार्थ है, हो सकता है कि आज का भांग का पौधा जिसको बोलते हैं वो हो, और दूसरा जो लोग हैं वो हैं असुरा, यानी कि असुर। तो हम लोग भांग नहीं पीते थे, यानी कि उस पौधे का सेवन नहीं करते थे, हमें उसकी जानकारी भी नहीं थी, हम असुरा लोग हैं, असुर लोग हैं। तो भंग को उससे पौधे का नाम भंग क्यों जोड़ा गया, क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने जो भंग अवस्था प्राप्त की वो एक उच्चतम अवस्था थी। किसी आदमी ने देखा कि भग्न अवस्था में के बाद जो अवस्था आती है और इस पौधे को खाने के बाद या इसको पीने के बाद जो अवस्था आती है, उनमें लगभग सिमिलरिटी ये है कि उसमें मन का आनंद एक सा मिलता है, मगर विपस्ना में जो आनंद मिलता है वो लगातार 24 घंटे मिलता है, और भांग वाले पौधे में जब तक आप भांग लेंगे तब तक मिलता है, और वो एक बीमारी पैदा करती है, शरीर को खराब करती है, जबकि विपस्ना ठीक करती है। इस सिमिलरिटी की वजह से, या ये देखते हुए कि जो समाधि में लोग बैठे रहते हैं वो बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और इनको ऐसा ही आनंद आता है जैसा कि भांग का यानी सुरा का पेड़ का सेवन करने के बाद आता है। तो भंग अवस्था को उस सुरा के पेड़ से सिमिलर मानते हुए, समान मानते हुए उस पौधे को भी भांग का पेड़ कहा गया, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा ये बताते हैं कि भगवान शंकर भांग पीते थे, यानी भगवान शंकर को बताया कि भांग पीते थे।
अब अगर कोई भगवान होंगे तो भांग क्यों पिएंगे, और भंग अगर है तो जाहिर सी बात है कि भंग का जो उत्तर स्तर है वो ज्ञान का है। हो सकता है भगवान शंकर को इतना उच्चतम ज्ञान हो जो भंग अवस्था का ज्ञान हो, इसलिए उनको कहते थे कि ये हमेशा रत रहते हैं समाधि में और ये भंग ज्ञान को हमेशा पीते रहते हैं। भंग ज्ञानी है, महाभंग ज्ञानी है, महादेव हैं, इसलिए उनका नाम आता होगा। इस जो शब्द है भंगी शब्द है, इससे ही भंगन शब्द बना है। भंगन शब्द इसलिए पड़ा है क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो अवस्था प्राप्त की वो उन्होंने महिलाओं के लिए भी खोली, यानी एजुकेशन के वो दरवाजे महिलाओं के लिए खोले और महिलाएं भी उस भंगन अवस्था को प्राप्त कर पाईं। इसलिए जो पुरुष थे उनको भंगी बोला गया और जो महिलाएं थी उनको भंगन बोला गया। बाकी जो बाद में शब्द आए, जैसे लाल बेगी शब्द है, लाल बेगी का मतलब है लाल कपड़े वाला, बेगमी, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मेहतर शब्द है, मेहतर का मतलब है महाथेरा, जो बुद्ध के भंग ज्ञान की एक अवस्था का लेबल है, और इसी को महाथेरी भी बोलते हैं, जिसको मेहतरानी बोलते हैं या मेहतर बोलते हैं, ये दोनों शब्द वहाँ के हैं। आप अगर शब्दों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जितना भी चै से बने शब्द हैं वो चीवर से बने शब्द हैं, सारा का सारा पाली के अंदर दिया हुआ है, आप एक बार देखेंगे तो आप जान जाएंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसमें कहीं सफाई का जिक्र भी नहीं है, उसमें कहीं यज्ञ को भंग करने का भी जिक्र नहीं है पूरे साहित्य में, और ना ही वो भंग कर्मी थे। तो बुद्ध के समय से पहले जिन लोगों को आज भंगी बोला जाता था वो क्या थे? सवाल ये आता है कि वो थे क्या, और सवाल ये आता है कि जब वो सफाई का काम ही नहीं था, सफाई करते नहीं थे, सफाई कर्मी का कहीं जिक्र भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, खाली भंगी का है, तो ये भंगी नाम के जो लोग हैं पुराने राजा रहते हुए यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये एक हिस्टोरिकल बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सर पे टट्टियाँ उठाते हैं, गू उठाते हैं, मेला उठाते हैं, ये परंपरा मुसलमानों के आने से ईजाद हुई, मुसलमानों ने ज़बरदस्ती अपनी औरतों को लैटिन कराई और वो उनके सर पे उठाते थे, ये स्टेटमेंट भी सरासर गलत है। कारण ये है कि मुसलमान अरब से आए हुए लोग हैं और वहाँ का कल्चर है, वहाँ आपको सर पे मेला उठाता हुआ एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर उनको मेला वहाँ उठाने वाली बात ही थी या टट्टियाँ उठा के सर पे उठाने वाली बात थी तो वहाँ भी उठा सकते थे वो। पूरे अरब कंट्रियों में, पूरे मुस्लिम कंट्रियों में कहीं कल्चर नहीं मिलती भारत को छोड़ के, और अगर मुसलमानों ने उठाया है तो बाकी जो गैर मुसलमान थे उन्होंने क्यों अपना उठाया, वो उसको मना करते थे, वो कहते थे कि भाई हमारे भाई हैं आप मत उठाइए, मुसलमानों की तो मजबूरी हो सकती है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और अब तो भारत स्वतंत्र है, भारत का राज है, तो भारत में आज भी ये प्रथा के लिए विल्सन जैसे लोगों को लड़ना पड़ता है। क्यों लड़ना पड़ता है, क्यों ये प्रथा आज भी है, क्यों ये प्रथा आज भी खत्म नहीं की, इसके बड़े छोटे छोटे से बड़े गहन राज हैं, सभी जानते हैं अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं श्रीमान जो बब्बन रावत जी हैं उनके फेसबुक पे भंगी शब्द का जो जिक्र चल रहा है उसके बाबत बना रहा हूँ और ये उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो बब्बन रावत जी से मेरा खास तौर से अनुरोध है कि वो इस वीडियो को देखें और बताएं कि क्या कारण रहे, और जो ये वीडियो में जानकारी है उस जानकारी को और भी मॉडिफाइड करके आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।